और गाइस ये देखो अभी मैंने ये फिट कर दिया है, बट अभी देखना पड़ेगा क्या है मसला। बट अभी गाइस ये आ गया, ये यहाँ पे मेरा पार्सल इसमें आया है। सो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी हे गाइस, कम ऑन ट्रैवलर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज एक मेरा एक पार्सल आया है, काफी दूर से आया है, हाइपर राइडर से आया है, तो अभी मैं वो लेने जा रहा हूँ, तो आइए मेरे साथ। तो अभी वो पार्सल आ गया है, बुकिंग करूंगा तब आपको बताऊंगा कि वो क्या है। आओ गाइस, ये आ गया, ये यहाँ पे मेरा पार्सल इसमें आया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्सल। बड़ा भारी है, ठीक है भैया, थैंक यू। और गाइस फाइनली ये पार्सल आ चुका है, इसका वेट ज़्यादा नहीं लिखा है, 6.880 kg। और यार इस पैकिंग बेकार की है यार, यहाँ से देखो बाहर भी आ गए, ये देखो यहाँ से बाहर आया हुआ है। और गाइज ये अभी ये इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा क्या है, बस पैकिंग का थोड़ा इशू है इस साइड से। ये देखो जो ये है ना थोड़ा सा, बट अच्छा है कि ये हुआ नहीं। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, काफ़ी पैकिंग हुई है इसकी। ये राइट करना वो बच्चों वाली बात नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई इसमें, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी तो ये लाया है और पता नहीं क्या क्या लाना है अभी। और मुझे यहाँ पे हमारा हाइपर राइडर से आया हुआ सामान मिल गया है। और भाई बहुत बढ़िया, ये है इसका टॉप रैक और हैंडल स्टे। ये है टॉप रैक और काफी भारी है, और ये है हैंडल स्टे इसका, और ये ग्रिल्स का। और दोस्तों मैं आपको बताऊं इसमें काफी वेट काफी है इसमें, और बट ये स्पेशली जो ये है ना टॉप रैक इसका काफी भार है, काफी अच्छी क्वालिटी क्वालिटी देखते हैं इसकी। अभी चलो इसको भी हम खोलते हैं, सही से खोलते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि लेट हो जाएगा, बट जल्दी आ गया। और वो आपको दिख रहा है ये काफी अच्छी क्वालिटी में दिया हुआ इन्होंने,
कैसा लग रहा है? मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको भी ओपन करें, चलो इसको भी ओपन करते हैं। और आपको पता है जब ये राइडिंग का इतना जब नहीं था तब ये चीजें दो दो तीन तीन हजार रुपए भी मिल जाती थी, बट आजकल जिस तरह यहाँ पे ना आजकल काफी ज्यादा लोग लेना शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए ये इन चीजों की बहुत महंगी। और ये मुझे अराउंड कितने का पड़ा बताऊ आपको, ये मुझे सिर्फ ये और ये मतलब अराउंड 6000 का इतना था और इतना था 6000 का पड़ा। बाकी आप देख लो आजकल अगर बैग सैड हो राइनॉक्स के मेरे बैग भी आ रहे हैं और इसका भी बहुत कैसा अभी बहुत है, अभी लिस्ट लंबी है, अभी बहुत बाकी है भाई। और चलो एनीवेज अब मैं आपको फिट करूंगा तब आपको दिखाऊंगा थोड़ा, ठीक है? बाकी थैंक यू। और दोस्तों इसकी क्वालिटी तो बड़ी अच्छी लग रही है, बट अभी मैं फिट भी करवाने जाऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि यार जो मैंने डोमिनर का हैंडल लगाया है मुझे उसका काफी ज्यादा रिस्क लग रहा है, क्योंकि जिस रोड पे मैंने जाना है उधर बहुत ज्यादा खड्डे रहते हैं, बहुत मतलब पूरा ऑफ रोड है, तो वहां पे ना मतलब अगर छोटी सी भी उस तरह का कुछ रहेगा ना हैंडल का, हैंडल बहुत मस्त बहुत जरूरी है यार, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वहां पे मैं बहुत ज्यादा मुझे हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पूरा कच्चा रोड है। तो उस वजह से मैं अभी जाऊंगा बाइक सर्विस करवाऊंगा, देखूंगा जो मुझे थोड़ा बहुत करवाना है, और सैडल से वैसे मैं वैसे तो मैं खुद भी लगा सकता हूँ, वहां पे जाके मैं लगाऊंगा और वहां पे मैं ना थोड़ी बाइक की सर्विस कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेन ये था और बाकी सैडल बैग है उसका कोई इशू नहीं, वो तो खुद भी लगेंगे। और बाकी अपन चल रहे हैं, अपन बाद में जाएंगे थोड़ी देर बाद। क्वालिटी बड़ी अच्छी, मुझे अच्छी लग रही है ये पेंट वगैरह ना, बाकी क्या पता बाकी देखेंगे, चलो मिलते हैं आगे। और फाइनली मैं पहुंच गया हूं सुरजीत भैया के पास, तो अभी मैं थोड़ा खुद ही हैंडल वगैरह तो मैं खुद ही उतारूंगा, तो उसके बाद सर्विस का काम भैया करेंगे, अभी तो भैया थोड़ा बिजी हैं। तो बात ये है अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जाना चाहते हैं जहाँ पे ऑफ रोडिंग रहेगी तो वहाँ पे ये हैंडल सक्सेसफुल नहीं है, अगर है भी है रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको उतार दूँ भाई, ये नहीं लेके जाना। बाद में वहाँ पे कोई होता भी नहीं है, अपने रास्ते में देखा कि इतने बड़े पहाड़ों में कुछ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे पहाड़ी। और दोस्तों ये देखो बाइक लेकिन
गाइस ये देखो अभी मैंने ये फिट कर दिया है, बट अभी देखना पड़ेगा क्या है मसला। बट अभी ठीक जैसे मेरे को समझ आ रही है, मैं कर रहा हूँ फिट और ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे लग चुका है। बाकी ये देखो ये टटना ये पूरा सेडल स्टे लग गया है। बहुत ही मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत लगी है। और ये प्रॉपर ना एक इसका मुझे एक इसका ये अच्छा लगा कि यहाँ पे इसमें ना वो नहीं था, प्रॉपर फिटिंग दी थी और इसके नट्स वगैरह प्रॉपर दिए हुए थे और काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी सर्विस भी करवानी थी मुझे, बट अभी मैं कल सर्विस के लिए आऊँगा, भैया अभी गए हैं। बट अभी मैंने बैगले कब से कर रहा था, फिर भैया ने भी हेल्प कर दी मेरी और अभी मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ एक। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो अपना एनएस का हैंडल है वापिस मैंने जो पुराना हैंडल था ये मैंने वापस लगा लिया, क्योंकि आपको पता है कि उस साइड में अगर हम कहीं दूर चले जाएं वहाँ पे सामान भी नहीं मिलता और काफ़ी रिस्क है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसका पुराना वाला हैंडल लगा लिया है। कोई बात नहीं, दर्द तो होगी वो सहनी पड़ेगी। और बाकी ये बहुत ही इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और मतलब काफ़ी अच्छा है ये। बाकी अब देखेंगे अभी शडल बैग आने वाला है, तो ये था अभी तक का और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपको आगे मिलता हूँ, तो थैंक यू। तो गाइस बाकी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, अभी बाकी मेरे हाथ अभी बहुत गंदे हैं और ये देखो ये वाले हाथ बहुत गंदे हैं, तो अभी मैं थोड़ा क्लियर करूँगा, अपने आप को साफ करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। तो बाकी कल वापस आना पड़ेगा सर्विस करवाने, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है तो उसके लिए यहीं से तैयारी करके जाना पड़ेगा। सो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बस यहाँ से अभी यार अभी मैंने आज ही लगाया ही है, ये देखो कहाँ गया, ये है, ये देखो यहाँ से ना पेंट उतरा है और ये पेंट उतरा है। बाकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है। और इसका मैंने क्रैश गार्ड भी ऑर्डर करना था, बट वो काफ़ी कॉस्टली है। बट अभी इस राइड के बाद जो कि मेरी राइड रहेगी, राइड के बाद फिर मैं वो ऑर्डर करूँगा, तब तक मैं ये चलाऊँगा। बाकी आप देखिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए, सो गाइस इसकी ये वीडियो थी और पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगी, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और बाकी की जानकारी के लिए अगले व्लॉग में बने रहिए। ये व्लॉग सिर्फ बाइक वालों के लिए था, सिर्फ नहीं, क्योंकि अगर आप राइडिंग का शौक रखते हैं आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी कॉस्टली सामान आता है राइडिंग का, बैग एंड ऑयल है ना। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, और मेरे एक व्लॉग देखा करो और यार कमेंट करके बताया करो। चलो थैंक यू सो मच और बाकी जय श्री महाकाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगले व्लॉग के लिए बने रहिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा व्लॉग लगा, मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।